दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 अप्रैल 2021 का दिन गुजर चुका है, जिसका मतलब एप्पल का इवेंट जो है वो हो चुका है, यानी कि 2021 का जो एप्पल का पहला इवेंट था वो हो चुका है। और एप्पल ने इसके अंदर कुछ जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च किए हैं, कुछ प्रोडक्ट अपग्रेड किया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग तीन जो मेन बुलेट्स पॉइंट हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो तीन नई प्रोडक्ट्स एप्पल ने लॉन्च की हैं। सबसे पहले हम लोग एयरटैग्स की बात करेंगे, दूसरे नंबर पर हम लोग आईमैक्स की बात करेंगे, और तीसरे नंबर पर आईपैड प्रो के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंदर तीनों चीज़ों के बारे में चैप्टर्स नीचे मौजूद है, अगर आप लोग डायरेक्टली किसी के ऊपर स्किप करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, वरना आप लोग पूरी वीडियो देखकर इसके अंदर से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके बाद 28 इसी महीने की 28 को आई थिंक सैमसंग का जो इवेंट है वो भी आ रहा है, तो फिर सैमसंग भी इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड कोई ना कोई कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स लेकर मार्केट के अंदर आएगा, ताकि भी मार्केट के अंदर अपना शेयर जो है वो उसको इंक्रीज़ कर सके। तो उसके बारे में वीडियोस यानी कि कोई ना कोई एक वीडियो आ जाएगी, तो आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम FTW हियर एंड यू आर वॉचिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनेशन वीडियो सीरीज़। तो फ्रेंड, वीडियो के सबसे जो पहला हिस्सा है उसके अंदर हम बात करेंगे एयर टैग्स के बारे में। तो एयर टैग एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप लोग जो है वो अपने बैग के साथ, अपनी की रिंग के साथ, या फिर अपनी किसी भी चीज़ के साथ जब आप लोग उसको यानी कि एक चाबी की तरह लटका लेते हैं, तो वो जो आपका सिग्नल्स हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन पर भेजता रहता है। लेट सपोज आपने जो है अपनी की रिंग के अंदर उसको डाल लिया, आप लोग चाबी रख कर भूल गए हैं, तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर उसकी लोकेशन दे सकते हैं, किस जगह पर आपने वो लिखी रखी है। और अगर आपकी वो चाबी कहीं गुम हो जाती है, वो की रिंग, या अगर आपने अपने किसी पेट के किसी कैट वगैरह के गले में वो डाला हुआ है, तो वो जहाँ भी चली जाए, तो अगर तो आपकी ब्लूटूथ की रेंज के अंदर है, तो आपको डायरेक्ट अपने मोबाइल फोन के अंदर जो है उसकी डायरेक्शन मालूम पड़ेगी। और अगर आप लोग उसकी तरफ जा रहे हैं तो मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर ये भी शो होता रहेगा आप उससे 10 मीटर दूर रह गए हैं, 20 मीटर दूर हैं, कहीं चाबी पड़ी आपको नजर नहीं आ रही, तो आप लोग उसको ढूंढ सकते हैं। और अगर जो है ये आपकी ब्लूटूथ रेंज से बाहर हो जाता है, कहीं चाबी आपकी बाहर गिर जाती है, या कोई आपका जिस बिल्ली वगैरह के आपने गले के अंदर टैग डाला है वो कहीं बाहर चली जाती है, तो जो भी बंदा उस टैग के पास से गुजरेगा, उसके पास अगर आईफोन होगा तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एप्पल के सर्वर से डायरेक्टली जो है वो अपग्रेड होकर आपके मोबाइल फोन पे आ जाएगी, जो कि सिर्फ आपके और एप्पल के दरमियान रहेगी। और जो तीसरा बंदा है उसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, उसके पास एक बैकग्राउंड के अंदर से सिग्नल जो है आपके मोबाइल फोन तक आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो खोई हुई चीज़ है वो कहाँ पर गई है। तीसरी चीज़, अगर आप लोग घर के अंदर ये कहीं पर चाबियाँ रख के भूल जाती हैं, या एयर टैग जिसके अंदर भी आपने लगाया, चाहे वो आपको कोई बैग हो, चाहे वो आपकी की रिंग हो, कुछ भी हो, तो इसके अंदर एक छोटा सा स्पीकर भी बिल्ट इन है, आप इसको जो है सिग्नल भेज कर इसके अंदर से कोई ना कोई आवाज़ प्ले कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि ये आपकी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर पड़ी हैं, और आप लोग उसको आसानी से लोकेट कर सकते हैं। अगर इसकी कुछ फंक्शनैलिटी की बात की जाए, तो यहाँ पर आप लोगों को जो बैटरी मिलती है वो CR2032 बैटरी मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसे खुद से निकाल कर जो है रिप्लेस भी कर सकते हैं। आप लोगों को देखा होगा कुछ घड़ियों के अंदर भी, या फिर कंप्यूटर के अंदर भी एक गोल आपको सेल मिलता है, उसको हम लोग ये CR2032 बैटरी कहते हैं। इससे पहले जितने भी कई ऐसे एयर टैग्स हमने देखे हैं जिनको आप लोग एक बार खरीद लेते थे, जब तक वो चलते थे, उसके बाद आप लोग फेंक देते थे और नया खरीदना पड़ता था, अब की बार ऐसा नहीं है। यूजर रिप्लेसेबल बैटरी जो है एप्पल ने यहाँ पर रखी, और आप लोग इसको आसानी से चेंज करके आप लोग नई बैटरी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक फीचर है, जिसकी वजह से आप लोग अपनी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सिक्योर बना सकते हैं, आप लोग उनको जल्दी जल्दी में जो है वो आप लोग ढूंढ सकते हैं कि आपने गाड़ी की चाबी, या फिर बाइक की चाबी, या फिर घर की चाबियाँ कहाँ रखनी है, तो आप लोग उनको लोकेट कर सकते हैं। प्राइस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसकी एक की प्राइस है $29, और अगर आप लोग चार खरीदते हैं तो यहाँ पर $99 की ये प्राइस आपको मिल जाती है, यानी कि 24 पॉइंट समथिंग आपको एक की प्राइस जो है वो पड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छी डील है, यानी कि इतनी ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट एप्पल ने इस बार नहीं बनाई, तो आप लोग इसे आसानी से खरीद सकते हैं। लेकिन एक कैच इसके अंदर है कि कुछ एमएस करके एक एडिशन है, वो $449 का है। अब वो शायद मेरे जहन में जो बात आ रही है वो ये है कि जो एमएस एडिशन जो गाड़ियों को रीबिल्ड करते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं, शायद उन्होंने उसकी जो ऊपर वाली स्लीव है उनसे डिज़ाइन करवाई है, तो वो ब्रांड काफ़ी ज़्यादा महंगा है, लेकिन आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है। टैग उसके अंदर वही सेम वाला है, सेम फंक्शनैलिटी है, सेम वही चीज़ें, तो आप लोग सिंपल वाला भी लेकर यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि अगर आपका टैग कहीं बाहर गिर जाता है, तो कोई भी अगर बंदा इसको उठाता है, वो आपको इसके मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच करके आपका इसके अंदर जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहेंगे, आपका फ़ोन नंबर या फिर आपका एड्रेस वो शो हो सकता है, तो वो बंदा आपको अगर ऑनेस्ट हुआ तो कॉल करके बता देगा कि भाई आपका टैग फलाना जगह पर गिरा हुआ था, मैंने फलाना जगह पर रख दिया, या मैंने आपका एड्रेस पर भेज दिया, या आप मुझसे कलेक्ट कर लें। तो ये एक इसके अंदर फंक्शनैलिटी भी मौजूद है। तो ये था एयर टैग जो कि एप्पल ने अपने इस इवेंट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस कराए हैं। अब हम बात करते हैं आगे यहाँ पर आईमैक्स के बारे में।
तो आप लोग जानते हैं कि आईमैक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर आपको सेपरेट सीपीयू नहीं मिलता, बल्कि वो जो डिस्प्ले होता है उसके अंदर ही पूरा सीपीयू का फंक्शन भी होता है, वही डिस्प्ले होती है, और आप उसके पीछे जो है पावर केबल लगाकर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एप्पल ने जो है वो 24 इंच का जो अपना एयर मैक है इस बार ड्रॉप किया है, और 21 इंच वाले इंटेल वाले जो उनका पुराना एयर मैक आ रहा था उसको रिप्लेस किया है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरेस्टिंग हैं, और कुछ चीज़ें जो बहुत ही बुरी हैं वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो ये M1 चिप के साथ आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चिप है, और एप्पल जो है अब धीरे धीरे करके जो इंटेल के ऊपर जो अपनी रिलायबिलिटी, जो एप्पल इंटेल के प्रोसेसर पहले यूज़ कर रहा था उसको जो है डिच करता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि M1 जो है एप्पल की न्यू चिप है, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और आप लोगों के M1 मैकबुक्स पहले देखने को मिल चुकी हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट भी होती हैं, उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल और फास्ट भी होती हैं। तो उसी वजह से एप्पल ने 21 इंच मैक्स को रिप्लेस किया। एक तो 24 इंच साइज़ भी बड़ा कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर जो है इसका जो मेन प्रोसेसर है, जो मेन ब्रेन है उसका, वो भी एप्पल ने खुद का M1 चिप जो है इसके अंदर इंक्लूड किया है। अब मज़े की बात यह है कि एप्पल ने जो है पहले वाइट या फिर ग्रे आता था आपका, ऑलमोस्ट वाइट ही आता था जो आई मैक आपके कंप्यूटर से, तो अब की बार आपको 7 डिफरेंट कलर्स देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर। आपको ग्रीन, रेड, येलो, कुछ ओरा ग्लो, मतलब 7 डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत लंबे टाइम के बाद, क्योंकि एप्पल ने बहुत ही अरसे तक जो है आई मैक्स का एक ही कलर रखा है, तो आप लोग जो भी लेता था एक ही कलर मिलता था। अब इसको आप लोग 7 डिफरेंट कलर के अंदर चूज़ कर सकते हैं, और आप लोग अपने पुराने आई मैक्स के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे नीचे एक बड़ी सी चिन्ह आपको नज़र आ रही है, उसके अंदर ही आपको सीपीयू मिलेगा, उसके अंदर ही आपको डॉल्बी एटमोस से सपोर्टेड जो है आपको स्पीकर्स मिलेंगे, उसी के अंदर आपको जो है वो छोटे छोटे फैंस मिल जाएंगे, पीछे की साइड पे आप लोगों को 4 USB-C पोर्ट्स मिलती हैं, और इसी के साथ आप लोगों को उसमें से जो 2 USB-C पोर्ट्स हैं वो Thunderbolt 3 को सपोर्ट करते हैं, जिसका मतलब आपको बहुत ही फास्ट डेटा ट्रांसफ़र आप लोग USB में करते हैं, किसी फास्ट स्पीड NVMe SSD में करते हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएंगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो अगर हम डिस्प्ले की एक्चुअल की बात करें, तो 24 इंच से कुछ ऊपर इसकी डिस्प्ले है, जिसके अंदर अगर हम इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो 4480x2550 की यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छी खासी रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं इसके कलर्स के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो कलर्स हैं वो इम्प्रूव किया गया है। आप लोगों को जो ब्लैक कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप ब्लैक देखने को मिल जाएंगे कंपैरेटिवली, और उसी के साथ साथ आप लोगों को जो इसके ब्राइट कलर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पंची देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ अगर हम बात करते हैं कुछ एक दो चीज़ों की, तो इतना ज़्यादा स्लिम है, 11.5 mm इसकी जो ओवरऑल थिकनेस है, मतलब शायद इस इतना ये ज़्यादा मोटा होगा जितना एक ये पेंसिल है, या फिर मे भी इससे भी शायद कम हो सकता है, तो इतना ये जो है आपको स्लिम मिलेगा। पहले आपने देखा है जो भी आई मैक्स होते थे वो सामने से स्लिम और पीछे से उनकी कुछ ऐसे शेप होती थी जो कि दिखने में बहुत ही एक अगली सा लुक देते थे, लेकिन अब की बार आप लोगों को बहुत ही बारीक से जो स्लिम है वो एप्पल आई मैक देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी हैं। एक कॉम्प्रोमाइज़ तो एप्पल ने सॉर्ट आउट कर लिया है कि उनको कैसे, अब जो आपका जो 3.5 mm वाला ऑडियो जैक होता है, जो कि हम लोग अभी तक मोबाइल फोन के अंदर यूज़ करते आ रहे हैं, ये होता है 14 mm लॉन्ग होता है, यानी कि डीप होता है, तो आप लोग डायरेक्टली आगे से या पीछे से इसको भी नहीं लगा सकते, इतना थिन आपको आई मैक मिलेगा। उसकी वजह से इसको साइड पर लगाया गया है, जो कि अच्छा है, कन्वीनियंट है, आप लोग साइड से लगाकर इजीली अपने एयरफोन्स भी लगा सकते हैं। और दूसरा अच्छी बात है कि एप्पल ने यहाँ से एटलीस्ट ये डिच नहीं किया, इसको इंक्लूड किया है। दूसरा इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कुछ बुरी बात है, इसका लुक बहुत ही ज़्यादा जो अगली दिखता है, आपको बड़ा डिस्प्ले दिखेगा, ऑलमोस्ट आपको वो बेजललेस मिल जाएगा, जो सराउंडिंग बेजल है एक बार तो यह कि वो भी वाइट कर दिए गए, जो कि आपके मतलब ग्रे होता है या ब्लैक होता है तो कुछ ज़्यादा आपको डार्क लुक मिलता है, और आपका जो फोकस है वो डिस्प्ले के ऊपर है। दूसरा नीचे कम से कम आपको 3 इंच की, ऑलमोस्ट देखने में ऐसा लगता है कि 3 इंच की आपको चिन मिल जाती है, जिसके अंदर इसका CPU है, इसके सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, और इसी के साथ साथ वहाँ पर स्पीकर हैं, ये वो सारा जो आपका एक CPU का पूरा सिस्टम होता है वो नीचे चिन के अंदर है, जो कि सामने से देखने के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। तीसरा और मेन चीज़ जो इसके अंदर इस एप्पल इवेंट के अंदर एप्पल ने लॉन्च किया है वो है आईपैड प्रो। अब आईपैड प्रो पहले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल था, आप लोगों को पता है कि एप्पल के आईपैड या फिर सैमसंग के आपस के अंदर इन दोनों का कंपटीशन हमेशा से चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा जैसा कि नज़र आ रहा है। लेकिन A12 बायोनिक जो एप्पल की फास्ट, बहुत ही फास्ट चिप थी, उसको भी डिच करके एप्पल ने इस आईपैड के अंदर भी M1 चिप को इंक्लूड कर दिया है, जो कि आप लोग कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर आप लोगों को आईपैड प्रो देखने को मिल रहा है।
यहाँ पर आप लोगों को दो वेरियंट इसके ऊपर मिलेंगे, एक थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले के साथ होगा और एक बड़ा डिस्प्ले के साथ होगा। तो यहाँ पर वही आपको सेम डिज़ाइन मिलता है, मतलब बॉक्सी डिज़ाइन मिलेगा। इसके बेजल आपको लोग चारों तरफ से राउंड देखने को मिल जाएंगे, क्वाड स्पीकर सेट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एक अच्छा डिस्प्ले आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ M1 चिप अगर इसके अंदर आई है तो पहले से ज़्यादा आप लोगों को इसके अंदर बैटरी टाइमिंग मिल जाएगी। इवन जो आपका ये आईपैड प्रो है, ये एक बेस लाइन एप्पल की मैकबुक से भी इसके अंदर ज़्यादा बड़ी बैटरी इंक्लूड की जाती है। तो लेकिन वो जो लैपटॉप होता है उसके अंदर आपको 120 Hz का डिस्प्ले मिल जाता है, तो चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। तो ये एक नया आईपैड प्रो भी इसके अंदर आया है, लेकिन एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपको आईपैड प्रो के अंदर M1 चिप की ज़रूरत थी? जितना भी आप लोग पावरफुल जो है अपना ये कर लें, एट द एंड वो आपका आईपैड प्रो ही रहेगा। क्या आपने कभी, मतलब जो भी लोग आईपैड प्रो यूज़ कर रहे हैं, कभी उसके ऊपर फाइनल कट प्रो यूज़ करेंगे या उसके अंदर, उसके ऊपर आप लोग कुछ ऐसी हैवी ऐप्स एप्पल की चलाने की कोशिश करेंगे जो आप लोग लैपटॉप पर चलाते हैं? और अगर आप वो लोग वो ऐप जो है फुल फंक्शनैलिटी के साथ आईपैड के ऊपर चलाने लगे, जो कि 12.5 इंच की आई थिंक जो डिस्प्ले का साइज़ है, तो 13 इंच वाली मैकबुक उनकी कौन खरीदेगा फिर? तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि सिमिलरिटी इस कदर क्लोज हो गई है कि आप लोग या तो उस तरफ जाएं, लेकिन उस तरफ जाएं, लेकिन आपको पता है कि कोई भी अपनी वीडियो एडिटिंग तो नहीं करने लगा अपने आईपैड प्रो के ऊपर। तो ऐसा लगता है कि एप्पल ने, ठीक है अच्छी टेक्नोलॉजी, M1 चिप बहुत ज़्यादा फास्ट है, बैटरी एफिशिएंट है, लेकिन आईपैड प्रो के अंदर जब उसने डाल दिया तो कुछ इतना ज़्यादा यूज़र्स को इसका फ़ायदा नहीं होगा, इस वजह से कि वो फुल पोटेंशियल तो इसका यूज़ करने वाले नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, आईपैड के ऊपर वीडियोज़ देख लेते हैं, थोड़ा बहुत ऑफिस वर्क कर लेते हैं, और उसके साथ अगर आप लोगों ने वो एयर कीबोर्ड उनका अटैच किया हुआ है तो आप लोग ईमेल्स वगैरह या फिर कुछ इस तरह की प्रोडक्टिविटी वर्क कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसके ऊपर वीडियो एडिटिंग नहीं करते, आप लोग इसके ऊपर इंटेंसिव गेमिंग नहीं करते। एप्पल के जो मतलब मोबाइल गेमिंग है भी, यानी कि कम लैपटॉप ओरिएंटेड गेमिंग गेम्स एप्पल की आती ही नहीं है, तो उसके तो बारे में तो बात ही नहीं करनी। तो ये एक चीज़ है जो कि एक क्वेश्चन है जो कि लोगों के जहन में है कि इतना ज़्यादा इसके साथ क्या फ़ायदा हो सकता था। ये सारे काम तो एप्पल की A11 जो बायोनिक चिप है, A12 बायोनिक, वो भी बहुत अच्छे से कर रहे थे। बहरहाल जो भी है ये चिप यहाँ पर इंक्लूड की गई है, लेकिन इसका जो अपर वेरिएंट है उसके अंदर आप लोगों को LED पैनल इस बार देखने को मिल जाता है, जबकि ये जो लोअर एडी यानी कि कम कम कह रहा हूँ छोटी स्क्रीन वाला मॉडल है, इसके अंदर आप लोगों को वही IPS LCD देखने को मिलेगी। अब जो अपर हैंड है यानी कि जो थोड़ा सा अच्छा इसका वेरिएंट है, यानी कि थोड़ा अपर वाला वेरिएंट है, उसके अंदर आप लोगों को LED मिलेगी। 1600 nits तक यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। 2600 डिफरेंट डिमिंग पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देखने को देंगे। मिनी LED आप उसको कह सकते हैं कि ब्लैक कलर उसके अंदर अच्छे होंगे। आपको पता है कि एप्पल की जो रेजोल्यूशन होती है डिस्प्ले की, वो बहुत ही ज़्यादा ऑड होती है, वो 16:9 नहीं होती या फिर 19:9 नहीं होती। उसके ऊपर आप कोई भी अगर वीडियो चलाते हैं जो कि आप लोग सिनेमाटोग्राफी की रेजोल्यूशन के अंदर भी है या फिर आप नॉर्मल 16:9 वाली एस्पेक्ट रेशियो के अंदर भी आए, तो वो ऊपर नीचे इतनी बड़ी बड़ी आप लोगों को ब्लैक बार्स देखने को मिल जाती हैं। तो वो ब्लैक बार्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा डीप ब्लैक होती हैं, या फिर अभी तक IPS वाले मॉडल के अंदर जो ग्रेस कलर है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है, तो ये तो बाद में पता चलेगा जब ये चीज़ें मार्केट के अंदर आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल की जो कहानी है वो यही है। तो ये तीन मेन चीज़ें थी जो कि एप्पल ने अपने इस लॉन्च इवेंट के अंदर लॉन्च की हैं। आई होप कि आप लोगों को इनके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन देखने को मिल गई होगी। लेकिन अभी इसके साथ साथ दो तीन चीज़ें और भी हैं। एप्पल ने पर्पल कलर का iPhone 12 लॉन्च किया है, पहले रेड करता था, इस बार पर्पल किया है, तो एक वो चीज़ भी आई है। उसके साथ एप्पल TV का नया रिमोट आया है, एप्पल TV का कुछ नया कलर आया है, तो वो दो तीन माइनर चीज़ें जो हैं वो अलग से, उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाना कुछ इतना खास चीज़ नहीं है। तो ये तीन मेन चीज़ें थी, इसके बारे में नई वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड देखिए आज का वीडियो मुझे विदा आप लोग पसंद आया, साथ में आप लोगों की हेल्पफुल भी रहा, वीडियो पसंद आए लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप लोगों को सवाल है मसला कन्फर्मेशन ऊपर नहीं जाएगा पीछे होगा तो कंस्ट्रक्शन करना, या फिर ट्विटर कार्ड में फीडो देख सकते हैं, सुना इस पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिर लोग इतना ही लिंक नेटवर्क साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए अल्लाह हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।